संदीप जी, आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी। आज देश की वर्तमान हालत जो है सारा बहुजन समाज त्राही त्राही कर रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, आप एक विधायक हैं, आपको समाज ने इस एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे वो समय याद आता जब हम लोग किताबों में पढ़ते थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, भारतवर्ष में आई थी, और इस देश को कैसे गुलाम बनाया था। तो ये जो भाजपा की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, ये उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गोरे अंग्रेज दूर से दिखते थे, ये काले अंग्रेज अपने जैसे लगते हैं जी। इन लोगों ने जो संविधान को बदलने की एक मुहिम छेड़ रखी है, देश के मूल निवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने की एक मुहिम छेड़ रखी है, ये लोग अपने मिशन पे हैं जो इन लोगों ने करना है। बेसिकली कमी कहाँ पर है? कमी कुछ हमारे लोगों की है जो लोग राजनीतिक पार्टियों में है। आप देख लीजिए, लोग विधायक भी हैं, लोग संसद में भी हैं, 130-131 के करीब सांसद हैं, और जब एट्रोसिटी एक्ट पे प्रहार होता है तो जब कोई नहीं बोलता, और फिर देश का बहुजन जब रोड पे आता 2 अप्रैल को भारत बंद होता है, उसके बाद भी कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं बोलता, लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं पासवान बाबू भी बोलते हैं, चिराग बाबू भी बोलते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है पहले पर्यावरण विभाग में ना रहे हों, हो सकता है उनको कहीं आभास हो के देश के बहुजन भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे, हो सकता है वो कांग्रेस में आने वाली हो। तो ये जो अपॉर्चुनिस्ट हैं राजनीति में जो लोग आए, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जो लोग राजनीतिक पार्टियों में आएंगे वो उन पार्टियों के कुत्ते से भी ज़्यादा वफादार लोग होंगे, और वो झलकता है इन लोगों के व्यवहार से। ये समाज के प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये लोग उन पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी दलाली करते हैं, ये सिर्फ इतना काम करते हैं। इसीलिए आज देश कमज़ोर हो रहा है, संविधान कमज़ोर हो रहा है, और हमारे लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनकी वजह से कमज़ोर हो रहा है। विधायक जी, जिस तरीके से एक अनंत कुमार हेगड़े जी ने पहले ही बोल दिया था संसद के अंदर कि हम तो संविधान को बदलने के लिए आए हैं, लेकिन जब 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनने अपनी जवान नहीं खोली, और लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि संविधान संसद भवन मार्ग पे जलाया गया, फिर भी उन्होंने नहीं कुछ आवाज़ उठाई। देखिए, ये लोग हर तरीके का हथियार अपनाएंगे, इनकी तरफ से जो लड़ रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी में समाज का कहते हैं ना, समाज के नाम पे कि हम लोग वोट लेकर के आते हैं, हम समाज के नाम पे जीत के आते हैं, लेकिन काम किनका करते हैं? ब्राह्मणवादियों का, मनुवादियों का, इन लोगों का काम करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ राजनीतिक आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए, ये लोग जीत के जाके नहीं बोलते, पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। बाबा साहब ने जो मांगा था ना, हमारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दो, वहाँ पर हम लोग खुद लड़ लेंगे चुनाव, हमें राजनीतिक पार्टियों की जरूरत ही नहीं है। और अगर पार्टी की बात करें तो एक बहुजन समाज पार्टी है, दलितों की, पिछड़ों की, बहुजन समाज के लोगों की, जिसका प्रतिनिधित्व माननीय बहन जी मायावती जी करती हैं। इस लड़ाई को वो, उस लेडी का त्याग आप देखो, लोग बातें करने में बड़ा आसान लगता है इन लोगों को, लेकिन जब त्याग की बात आती है तो उस लेडी का त्याग देखो, उसने पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया। और जो उनके राजनीतिक गुरु और जो सामाजिक गुरु थे साहब माननीय काशीराम जी, उस आदमी का कितना बड़ा त्याग रहा है, और जिनसे प्रेरणा उन्होंने ली, बाबा साहब ने अपने बच्चे तक खो दिए इस समाज के चक्कर में, है ना। तो ये कुछ पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया, सबको पता है, उसमें चाहे बाबू जगजीवन राम हो, बहुत सारे लोगों के नाम लिस्ट में शामिल है, लेकिन बाबा साहब ने समझौता नहीं किया, पर ताड़ना सही, बर्दाश्त की, लड़ते रहे अपने लोगों के लिए, चाहे वो लैंड रिफॉर्म एक्ट हो, चाहे पूना पैक्ट हो, जितने भी बाबा साहब ने कोशिशें की, उसकी वजह से हम लोग आज ऐसी जगह खड़े हैं, नहीं तो हमें यहाँ कौन घुसने देता, हम कहीं गाँव में पड़े होते और हमें लोग, ये लोगों को समझ भी नहीं आता। हमारे भी समझ में जब आया, जब हम मंत्री बने, जब पता चला मैं मनीष सिसोदिया में और संदीप कुमार में फ़र्क क्या है, गोपाल राय में और संदीप कुमार में फ़र्क क्या है, हम मंत्री होते हैं जिस डिपार्टमेंट के, उसका जब बजट बनता है ना तो हमें बिठाया नहीं जाता बजट में, बना गए अपने आप ले आते हैं, ले जी मंत्री जी अपने साइन कर दो बस। ये विडंबना है, हमारे लोगों को कभी भी निर्णायक भूमिका में किसी भी पार्टी में तवज्जो नहीं दी जाती। तो संदीप जी, ये माना जाए कि अगर जो देश आज़ाद हुआ है तो उसके पीछे उसकी जाति हमेशा चलती रहती है, मतलब देश आज़ाद होने के बावजूद भी आज अपने आप को कोई भी स्वतंत्र बहुजन समाज आदमी का कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जैसे अगर राष्ट्रपति हैं उन्हें भी दलित राष्ट्रपति कहा जाता है, संदीप जी हैं तो संदीप भी दलित में ही आते हैं, विधायक हैं तो इस तरीके की मुहिम चली आ रही है। आप एक चीज़ देखो ना, दुनिया के किसी देश में चले जाओ जी, वहाँ वर्ग व्यवस्था है, ये पहला देश है जहाँ पर दो व्यवस्थाएँ चलती हैं, वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था, अमीर कभी भी गरीब हो सकता है, गरीब कभी भी अमीर हो सकता है जी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में दलित ब्राह्मण नहीं हो सकता कभी भी, ब्राह्मण कभी दलित नहीं हो सकता जी। तो ये देश मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं ये लोग चाहते हैं। राम राज जो था, जिसका रामायण में जिक्र किया गया,
है ना। राम राज क्या था, हमारे पीछे झाड़ू बनती थी, गले में हंडी बनती थी, एकलव्य का अंगूठा लिया गया, शंभु ऋषि को मारा गया राम की तरफ से। ये लोग वही चाहते हैं कि इन दलित पिछड़ों को वहीं पे छोड़ दो, इनको जानवरों जैसा बदतर इनका हाल रखें, और हम इन पे जानवरों, ये जानवर की तरह काम करें, हम इंसानों की तरह इनके ऊपर राज करें। यही हुआ है। और बाबा साहब देखो, बाबा साहब तो वैसा, हमारा भगवान तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। वो आदमी जैसा आदमी ना तो कभी पैदा होना ना कभी होगा, सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। हम लोगों के लिए उनका जीवन ही, उनका संघर्ष ही प्रेरणा है। हमें बाबा साहब को रास्ते पर चलना चाहिए, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। पी बैक टू सोसाइटी का जो नारा था वो हम लोगों को करना चाहिए। हमारे लोग क्या, बहुजन समाज के लोग व्यस्त हैं, मियाँ बीबी फ्लैट और घूमते हैं फिरते हैं, काठी घोड़े गाड़ी आ गए जो लोग शहरों में हैं। लेकिन दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर जाके देखो, हमारी बहन बेटियों के पास अगर माँ घर में रहती है तो वो साड़ी पहन के बेटी बाहर जाती है, फिर बेटी आ जाती है वो साड़ी बांध के फिर माँ बाहर जाती है। इतना बुरा, अलग कपड़े तक नहीं है हमारे लोगों के पास पहनने के लिए। और यहाँ पर कुछ दलित राजनीति में ऊपर आ गए, कुछ अधिकारी बन गए, वो सोचते हैं हम इस देश के मालिक हो गए। अरे तुम्हारा ही शोषण है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अधिकारियों का और मंत्रियों का शोषण है। इनकी औकात नहीं है बोल जाइए अपने आकाओं के सामने। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ चल रही हैं देश में, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, एक ही परिवार के लोग हैं, है ना। ये अलग अलग टीम बना टूर्नामेंट खेलते हैं, बोल इनके पाले में जानी है, सारे एक ही परिवार के बच्चे हैं।